myself Shubham from NIT Gurukshet. The JEE Main 2024 January attempt की most accurate marks versus percentile versus college video है ये. YouTube पे बहुत सारी इसके बाद videos बनेंगी, but इससे accurate कोई नहीं मिलेगी. इसके अंदर आपके सारे doubts clear हो जाएंगे कि category wise cut off क्या जाने वाली है, general, EWS, OBC सारे students के लिए. उसके बाद जनवरी अटेम्प्ट में मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिस्कस करेंगे. टॉप 10 NITs में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए आपको कितनी परसेंटाइल लाना है दोनों होम स्टेट और अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आपका इजी शिफ्ट है तब कितने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जाने वाली है, डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए कितने बनने वाली. बस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करके एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस शिफ्ट में बन रहे हैं. कुछ भी हवा में बात नहीं करने वाले, सारी चीजें डेटा के हिसाब से एनालाइज करके बताई जाएंगी आपको. तो देखो यार, इस बार यूनिक रजिस्ट्रेशन देखें तो टोटल 12.3 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर करा है फॉर जनवरी आइटम. मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट पर शिफ्ट इस बार इंक्रीज हुए हैं, इससे ऑटोमेटिकली आपकी कट ऑफ पे फर्क पड़ने वाला है. तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जेईई मेंस 2023 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको दिख रही है. जनरल के लिए अपनी 90.77 परसेंटाइल थी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख रहे हो. जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 75.62 परसेंटाइल थी, ओबीसी के लिए 73.61 थी, एससी के लिए 51.97 और एसटी के लिए 37.25. तो इस बार देखो कट ऑफ हाई जाने वाली है. तो ये आपको जो स्क्रीन पे कट ऑफ दिख रही है इसमें 1.5 से 2 परसेंटाइल इंक्रीज का, मतलब जनरल के लिए आपकी 91.5 से 92 परसेंटाइल जाने वाली है इस बार कट ऑफ. वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 76.77 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 2 परसेंटाइल इंक्रीज कर दो. तो इस बार कट ऑफ तो हाई जाने वाली है. अब डिस्कस करते हैं कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपकी जेईई में जनवरी अटेम्प्ट के लिए क्या होने वाली है. तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 100 परसेंटाइल के लिए आपको 265 से 280 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा. 99.5 परसेंटाइल के लिए आपके 200 से लेके 220 मार्क्स के बीच में लाना पड़ेगा. 99 परसेंटाइल जो कि एक सेफ स्कोर है अगर टॉप 10 NITs में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो इसके लिए आपको 170 से 190 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा. 98 परसेंटाइल आपकी 140 से 160 के बीच में बन जाएगी. 97 परसेंटाइल 130 से 140 के बीच में बन जाएगी. मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और किस शिफ्ट में बन रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का. 96 परसेंटाइल के लिए 1530 मार्क्स लाने पड़ेंगे. 95 परसेंटाइल के लिए 111 से 115 मार्क्स. 94 परसेंटाइल वहीं आपकी 100 मार्क्स से 110 के बीच में आपकी बन जाएगी. 93 के लिए 90 से 100 मार्क्स और वहीं 91 परसेंटाइल आपकी 70 से 85 मार्क्स के बीच में बन जाएगी. तो ये जो मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताई है ये इजी शिफ्ट के लिए, अगर आपकी शिफ्ट इजी है. अगर आपका शिफ्ट डिफिकल्ट आया है तो इसमें से 15 मार्क्स कम कर दो. मतलब अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए और शिफ्ट डिफिकल्ट है तो वही आपकी 165 से 170 के बीच अगर आपके मार्क्स आते हैं तो 99 परसेंटाइल बन जाएगी. सो यार आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है. आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मेल कर रहे हैं भैया पेपर अच्छा नहीं गया, मैं उतना अच्छा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं था. तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब जितनी भी वीडियोस बताऊंगा जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है जिनकी प्लेसमेंट पैकेजेस बहुत अच्छी है, IITs के बराबर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी कंपनीज इन कॉलेजेस में विजिट करती है, मैं आपको टाइम से बता दूंगा ताकि अगर बाय चांस आपके जेईई मेंस में कम परसेंटाइल आती है तो आप टाइम से इनका फॉर्म फिल कर दो. तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां के टीचर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, Amazon जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं एक्सपीरियंस के साथ. इस कॉलेज में जाते ही एक साल की पेड इंटर्नशिप मिलेगी जो कि IITs में भी नहीं मिलती. बेस्ट चीज मुझे इस कॉलेज की लगी, दैट इज प्लेसमेंट. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आपको पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी इस कॉलेज के अंदर. मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गो ट्रेडिंग जैसी जो मोस्ट डिमांडेड स्किल्स है उस पे काम करवाएंगे इस कॉलेज के अंदर. तो इस कॉलेज का नाम है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है, जहां तुम बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पढ़ाई करोगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे. फर्स्ट ईयर में ही तुम्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट 3D प्रिंटिंग, इमेज एडिटिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करवाएंगे. इस कॉलेज की बेस्ट चीज मुझे प्लेसमेंट लगी भाई, प्लेसमेंट बहुत शानदार है. इसके अंदर 3 साल की आपको बैचलर डिग्री बिट्स पिलानी से मिलेगी और मास्टर्स डिग्री आपकी वुल्फ यूनिवर्सिटी से मिलेगी. इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है. और डिटेल के लिए मैं क्या करूंगा, एक डिटेल वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टाइम से इसका फॉर्म फिल कर देना, आपको पिंड कमेंट में इसका फॉर्म मिल जाएगा. तो आप में से मेजॉरिटी बच्चों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो टॉप 10 NITs की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ निकाल दी है कि कितनी परसेंटाइल आपको लाना है और कितने मार्क्स पे उतनी परसेंटाइल बन जाएगी.
तो शुरुआत करते हैं एनआईटी त्रिची से। ये बेसिकली अदर स्टेट कोटा के लिए ऑल इंडिया रैंक आपको कितनी लानी पड़ेगी, कितनी परसेंटाइल चाहिए। तो एनआईटी त्रिची आपकी 99.9 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। उसके लिए 246 से 247 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा। ये लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे है। एनआईटी सूरत कल आपकी 99.8 परसेंटाइल पे आपको मिल जाएगी, 230 से 240 के बीच में। एनआईटी वेरेंगल आपकी वही 99.7 परसेंटाइल पे बन जाएगी, 230 से 235 मार्क्स के बीच में। फोर्थ पे है अपनी एनआईटी राउरकेला, 99.6 परसेंटाइल पे आपको सीएस ब्रांच यहाँ मिल जाएगी, 220 से 230 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा। एनआईटी अलाहाबाद, इसकी कट ऑफ इंक्रीज हुई है, इसका 99.7 परसेंटाइल पे आपको यहाँ सीएस मिलेगी। उसके लिए आपको 218 से 225 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा। एनआईटी कैलीगट वही 99.5 परसेंटाइल, 205 से 215 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा। एनआईटी जयपुर, इसकी भी कट ऑफ बड़ी है, 99.47 परसेंटाइल पे यहाँ आपको सीएस ब्रांच मिलेगी। उसके लिए 200 से 210 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा। एट्थ पे है वीएनआईटी नागपुर। वीएनआईटी नागपुर में अगर सीएस ब्रांच चाहिए तो आपको 99.4 परसेंटाइल चाहिए, इसमें 197 से 206 मार्क्स के बीच में आपको स्कोर करना। नाइन्थ पे है एनआईटी कुरुक्षेत्र, इसकी भी कट ऑफ इंक्रीज हुई है, 99.35 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मार्क्स 195 से 205 के बीच में मार्क्स लाना है अगर सीएस ब्रांच चाहिए। और टेंथ पे है दैट इज एनआईटी सूरत, 99.3 परसेंटाइल पे एनआईटी सूरत में आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगी, 190 से 200 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा। चिंता नहीं करनी, ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। ये बेसिकली अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका कोटा होम स्टेट है, अगर आप हरियाणा से हो, आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में चाहिए, तो ये आपको कट ऑफ स्क्रीन पे दिख रही है। एनआईटी त्रिची के लिए 99.6 परसेंटाइल, ये सीएस ब्रांच के लिए बता रहा हूँ। एनआईटी सूरत के लिए 99.7 परसेंटाइल, वरेंगल के लिए 99.68, राउरकेला के लिए 99.4, अलाहाबाद के लिए 99.3। तो ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, मेक श्योर। और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और किस शिफ्ट में बन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करने की। और इस चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जेईई एडवांस तक आपकी हेल्प करने वाला है ये चैनल। ऑल द बेस्ट।